सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम भाई केदारनाथ भाई। और भाई आज की जो ना भाई डेट हो रखी है भाई 24 मई 2024। और भाई बाहर का सीन देख लो कितना भाई प्यारा रखा है। लास्ट ईयर भाई जिस जगह रुके थे, जिस डोरमेट्री में रुके हुए थे भाई, उसी डोरमेट्री में रुके हैं आज भी। और अभी जो है ना गाइस, टाइम क्या हो रखा है मैं तुम लोग बता दूं। अभी जो टाइम हो रखा है भाई अप्रॉक्स 2 या 2:30 के आसपास हो रखा होगा भाई, 3:43 हो रहा है टाइम, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे। और अभी जो है ना गाइस जा रहे हैं यार त्रियुगी नारायण, क्योंकि भाई लास्ट ईयर भी आए थे तो गए नहीं थे। और केदारनाथ की जो है भाई ट्रैकिंग के लिए जो है ना भाई रात में 3 बजे के अप्रॉक्स निकलेंगे, क्योंकि अभी जो इतनी ज्यादा भीड़ है। अभी तुम लोग को दिखाऊंगा ना, तो तुम लोग देखोगे ना कितनी लंबी भीड़ लगी थी भाई। गंगोत्री से 11:30 बजे के अप्रॉक्स में निकला हुआ था और भाई पूरी रात गाड़ी चलाई, पूरा दिन भाई 2 बज गया था मेरे को रात में यहाँ पे आते आते। और उसके बाद सुबह से यहाँ से भाई एक कॉर्निंग होती है, वहाँ से 10 गाड़ी छूटती है, फिर इधर से 10 गाड़ी जाती है। तो उसकी वजह से भाई इतना ज़्यादा टाइम लग गया था तुम्हारे भाई को कि कुछ कहने को नहीं। और आ गए थे भाई 9 बजे के अप्रॉक्स जो है ना, थे फिर आराम से सो हो गए थे। अभी लेकिन जो है ना जा रहे यार त्रियुगी नारायण। फिलहाल तो तुम लोग जो है ना भाई देख सकते हो भाई क्या सीन हो रखा है यहाँ का। भाई देख लो यार इस तरीके की यार थी डोरमेट्री, और भाई तुमको एकदम पार्किंग के सामने इस तरीके की डोरमेट्री मिल जाएगी यार। ये देखो भाई पूरे बेड वगैरह जो है ना भाई इस पे सब लगे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जब आओगे ना तो ये अंकल जी मिलेंगे। क्यों अंकल जी, हाँ। क्या रेट चल रहा है अंकल जी डोरमेट्री का? ये नीचे दिखाओगे ना तुमने लिखा हुआ 400 रुपये। 400 रुपये भाई तुमको बेड मिल जाएगा, इतना बढ़िया बेड है। देखो एक कंबल मिल जाएगी और एक तकिया जो है ना यहाँ पे पड़ी रहती है, मस्त गद्दा है सोने के लिए। तो अगर तुम लोग आ रहे हो तो भाई ये वाली डोरमेट्री में रुकना, बहुत बढ़िया डोरमेट्री है भाई। ये देख लो सीन देख लो। और भाई यहाँ पे जो है ना भैया की छोटी सी कैंटीन भी है, तो आराम से तुम लोग चाय वगैरह अगर पीना चाहो, कुछ भी पीना चाहो, चाय बिस्किट मैगी वगैरह कुछ भी खाना चाहो तो आराम से खा पी सकते हो यहाँ पे। और ये देख लो नीचे जाने के लिए भाई ये रास्ता जो है ना भाई बना हुआ है नीचे जाने के लिए, और उधर से जो है ना गाइस लाइन लगी वहां से। वो देखो वहाँ बहुत से लोग का क्वेश्चन होता है ना, अगर तुम लोग भाई डोरमेट्री में जाते हो तो भाई कैसा जो है ना भाई बाथरूम होता है, तो एक बार और मैं तुम लोग को यहाँ का बाथरूम ही दिखाता हूँ। बाथरूम इतना साफ सुथरा भाई बना रखा है, कुछ कहने को नहीं। यहाँ पे जो है ना गाइस तुम लोग को रूम भी मिल जाएंगे ना, तो अभी चाबी लेकर के एक बार तुम लोग को ना रूम भी आके दिखा दूंगा कि कैसे रूम बने हुए। और यहाँ से पर व्यू देख लो इस तरीके का रूम आता है, और इस तरीके का भाई बाथरूम है। ये देख लो भाई एकदम साफ सुथरा भाई इंडियन वाला तुमको मिलेगा। और इधर जो है ना भाई टंकी अंकी सब लगी हुई, यहाँ पे देखो पानी वानी पीने वगैरह के लिए जो है ना भाई तुम लोग को सब मिल जाएगा। तो आराम से आना भाई, ये वाले बस सकते हो ना भाई डोरमेट्री में। प्रमोशन नहीं भाई बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं आया था ना मेरे को उससे अच्छा जगह कोई मिली नहीं थी। फिलहाल तो तुम लोग के लिए जो है ना भाई मैंने जो है ना भैया से चाबी वगैरह मंगवा करके और भाई गेट खुलवाता हूँ, और यहाँ का जो है ना तुम लोग को पहले बार एक रूम टूर कराता हूँ कि भाई कैसा रूम टूर है। सबसे पहले जो है ना भाई तुम लोग देख लो आराम से जो है ना इस कमरे के अंदर जाओगे तो भाई ये देख लो इस तरीके का रूम है। और यहाँ पे जो है ना भाई लाइट नहीं आ रही फिलहाल अभी के लिए। और देख लो भाई यहाँ पे जो ना डबल बेड पड़ा है, 2 डबल बेड पड़े हुए हैं। बढ़िया रूम का जो है ना एकदम टूर व्यू तुम लोगों को जो है दे रहा हूँ। मस्त गद्दे जो है ना भाई लगे हुए हैं, और अभी जो है ना भाई गंदा हो गया, एक बार बाहर से भी व्यू तुम लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो तुम लोग को यहाँ से ना व्यू कितना अच्छा आएगा सामने का, और वही पार्किंग है वहाँ तुम लोग गाड़ी लगाओ। जस्ट पार्किंग जो देख रहे हो ना यहाँ से जो है गाड़ी भाई नीचे जाती है, और जस्ट पार्किंग के सामने ही जो है ना भाई ये वाला जो है ना डोरमेट्री है। तो आराम से तुम लोग यहाँ आना, और भाई जगह देख लो कितनी बढ़िया है, बालकनी भी तुमको अच्छी खासी मिल जाती है। और ये देख लो भाई ऊपर पंखे अंखे लगे हुए हैं, इधर ये देखो शीशे वगैरह मैं जो है भाई दिखा दूँ। ये देख लो भाई कैसा लग रहा है, सही लग रहा है ना। और अभी जो है ना गाइस जा रखे हैं यार त्रियुगी नारायण, तो भाई फटाफट लेट नहीं करते हैं, आप जो है ना मिलते हैं आपको नीचे, और भीड़ वगैरह दिखाते भाई कितनी हो रखी है। भाई ये देख लो यार इतने लोग जो है ना भाई, मम्मी देखो मम्मी मेरी रेडी हो गई है। मम्मी बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये तो अच्छा लग रहा है। ये देखो भाई यहाँ पे सब लोग जो है ना भाई जा रहे हैं। ये वाले अंकल जी ना हमको कन्नौज के, कन्नौज से है ना अंकल जी आप लोग? क्या कन्नौज साइड से ना? हाँ दीदी जो है ना कन्नौज से, और वो भैया जो है ग्वालियर डबरा से, और दीदी भोपाल से है। तो भाई ये लोग जो है ना हमको रास्ते में आधे रास्ते में मिले थे, और भैया लोग जो है ना भाई जा रहे थे लेकिन रुक रहे थे एक जगह, लेकिन फिर हमने कहा भैया चले चलो साथ में, तो उससे साथ ही साथ आ गए। तो अब साथ ही साथ जो है ना भाई त्रियुगी नारायण जा रहे हैं। मैं यही कहा तो वो गंदी जिधर जाती हूँ उधर ही बैठ जाती है, देखो अब यहाँ आ गई, यहाँ बैठ गई गंगोत्री। भाई इनको 2 घंटे ढूंढ रहे थे तब जाकर कहीं मिली थी हम लोग को। अब देखो यहाँ पे जो है ना भगवान जी की पूजा करना चालू हुई है, देखो देखो पूजा देख रहे हो, हाँ भक्ति से। हाँ हाँ जय भोला भंडारी बाबा, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी बाबा, जय भोला भंडारी। तुम लोग देख लो ये लाइन जो है ना भाई लगी हुई है भाई केदारनाथ जाने के लिए। ये लाइन तो भाई कुछ लाइन नहीं थी भाई, इससे ज्यादा भीड़ जो है ना भाई हो रखी। और अभी जो है ना भाई ये हम लोग की जो है ना भाई टैक्सी आ गई भाई। और ये देख लो भाई अभिषेक जो है ना क्लॉक रूम करके होटल है भाई, यहाँ पे जो है ना भाई तुम लोग रह सकते हो आराम से भाई। प्रियंका योगी ब्लॉग जी का है ये पूरा होटल, और ठीक पार्किंग के जो है जस्ट सामने है। और 500 रुपये में, ये सॉरी 400 रुपये में आपको डोरमेट्री यहाँ पे जो है ना गाइस मिल जाएगी। फिलहाल अभी जो है देख लो भाई गाड़ी आड़ी जो है ना भाई आना चालू हो गई उधर से, UP 32 लखनऊ वाली गाड़ियाँ। ये देख लो, हाँ हाँ ये देख लो यार आप जो है ना यार आ चुके हैं यार भाई इसके अंदर। ये देखो भाई कॉकपिट देखो भाई ऐसा क्या लगा रखा है इन्होंने। ये देखो दिल जो है सब लगा के रखा हुआ है, स्माइली
उच्ची उच्ची वाली, ये देखो रॉयल एनफील्ड की जो हिमालयन 400 नहीं है भाई, ये देखो यही है शायद, ये कितनी बढ़िया है यार, इतनी मॉडिफाइड वगैरह करके रखे हुए, देख रहे हो यार पूरा भाई टेक बॉक्स वगैरह सब लगा कर रखा है, जैसे हम लद्दाख गए थे ना वैसे ही जो है। इस तरीके का आइटम जो है ना भाई मेरे पास नहीं था, क्योंकि हमने जो है ना भाई सस्ते में उठाई थी अपनी ट्रिप पूरी। और ये देखो भाई भैया लेके चल रहे हैं भाई त्रियुगिनारायण। त्रियुगिनारायण के लिए जो है ना भाई उधर से जो रोड आती है मेन रोड आती है वहां से जो है ना यू टर्न ले लेते हैं। और भाई ये देखो पार्किंग देखो कितनी बड़ी, ये देख लो भाई ऊपर का सीन देख लो भाई, ऊपर जा रहे हैं भैया कितने किलोमीटर ऊपर, ये 13 किलोमीटर जो है ना गाइस ऊपर है ये त्रियुगिनारायण भाई। नहीं आंटी नीचे घुमाने वाले से। अच्छा, हाँ भाई देखो पहले की गाड़ी में पता है क्या होता था यार, ये देखो जैसे नहीं मारुति की गाड़ी में होता था ये, आज जो है ना भाई याद आ गई भाई मारुति की, ये देख लो भाई। भाई वो देख लो यार, वो रहा आगे एक हेलीपैड है भाई, यहाँ पे जो ना ये वाले हेलीपैड का नाम है भाई एरो हेलीपैड कुछ करके, जगह त्रियुगिनारायण जाते समय जो है ना भाई पड़ता है। यहाँ से भी जो है ना भाई तुम लोग जो है ना ऊपर जा सकते हो केदारनाथ जी हेलीपैड से। हेलीपैड की जो है ना भाई टिकट्स वगैरह मिल नहीं रही थी, अगले साल ट्राई करते हैं कि भाई मिल जाएगी ना, तो अगले साल जब आएंगे तो पापा लोग को जो है ना पापा मम्मी को सीधे जो है ना हेलीपैड से ही भेजेंगे अगली बार, क्योंकि पापा का जो थोड़ा सा मामला डिस्टर्ब रहता है भाई, चल नहीं पाएंगे वापस। भाई ये देख लो यार आ चुके हैं भाई त्रियुगिनारायण भाई, ये देखो भाई क्या लाइव चल रहा है क्या यहाँ से, आस्था टीवी वालों का लाइव चल रहा है भाई यहाँ पे शो त्रियुगिनारायण से, ये देखो भाई भाई ये देख लो यार त्रियुगिनारायण इतना ऊपर आने के बाद एक मंदाकिनी करके जो है ना भाई बना हुआ होटल, बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट बना हुआ है ना। और फिलहाल जो है ना गाइस गाड़ी जो है ना तुम लोग को आकर के यहीं पे छोड़ देती है, देखो पंडित जी वगैरह जो है ना यहाँ बैठे रहते हैं, और देखो मम्मी जो है ना बॉटल वगैरह ले ली है, ये देख लो यार यहाँ से जो है ना भाई ले लिए थाली, और ये थाली जो है ना भाई तुम लोग को यहाँ मिल जाएगी 100 रुपए की थाली होती है, इसमें फूल प्रसाद लोटा और माला वाला जो है ना भाई सब रहता है, देखो मम्मी भी जो है ना लिए हुए हैं। हाँ भैया ले लिया है तुम्हारी, कहाँ से मेरी है, ये मेरी है, ये देख लो भाई ये राम मेन रहा और त्रियुगिनारायण का भाई, ये देखो भाई यहाँ से जो है ना गाइस अंदर चलते हैं। भाई देखो कितने की है, सबका 100 रुपए, सब ठीक है, नारियल नहीं दिया यार, हाँ तो बस ठीक है चलो। भाई ये देख लो इधर भी जो है ना भाई ढपले बाजे भाई, आगे जो है 100 रुपए में नारियल दे रहे, पीछे जो है ना भाई ये देखो ये खड़ा हुआ, पीछे जो है ना भाई 100 रुपए में नारियल नहीं दे रहे, तो इधर जो है ना भाई 100 रुपए में नारियल दे रहे। हाँ भाई मनीष भाई क्या हाल चाल, बढ़िया बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, मस्त लग रहा है भाई, मार्केट वगैरह देख लो भाई, लद्दाख के फ्लैग ले जाएंगे यार एक्सयूवी के लिए, यार याद आ गया हमें, निखिल के लिए भी ले लेंगे एक ठो यार, कितने हाँ ले लिया था, ले लिया था। हाँ भाई ये देख लो भाई ये रहा यार त्रियुगिनारायण भाई, वीडियोज में देखते थे आज भाई सामने से देख रहे हैं ना, तो कितना अच्छा लग रहा है, ये देख लो भाई ये देखो, चलो मम्मी देख लो भाई यहाँ पूजा वूजा होती है, नहीं अभी नहीं आए जाएंगे, जाएंगे हाँ। पंडित जी जो है ना कुछ त्रियुगिनारायण के बारे में जो है ना बताने वाले, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति, मंगलम कुंडली काशा मंगलम, इस स्थान का नाम त्रियुगिनारायण है,
आपने सुना होगा जो सती थी पहले दक्ष प्रजापति की पुत्री, वो हरिद्वार के पास कंकाल में जो अपमान के कारण भस्म हो गई। दक्ष प्रजापति पुत्र सती शंकर जी की प्रथम पत्नी, वहाँ पे दक्ष प्रजापति ने एक बड़ी भारी यज्ञ का आयोजन किया, अपनी बेटी और दामाद को नहीं बुलाया। सती जी वहाँ दिन बुलाए गए, अपमान होने के कारण क्रोधित होकर के यज्ञशाला में तुल करके भस्म हो गए। दोबारा जन्म लिया तो पर्वतराज की पुत्री पार्वती नाम था, त्रेता युग में विष्णु साक्षी करके शंकर और माता पार्वती की यहाँ से शादी हुई। तो त्रेता युग द्वापर युग कलयुग तीन युग से निवास करने वाले त्रियुगी नारायण यहाँ का नाम है। चार कुंड है, पहला ये ब्रह्म कुंड है और दूसरा ये रुद्र कुंड है। अच्छा, रुद्र कुंड में आत्मशुद्धि स्नान की आत्मशुद्धि के लिए स्नान होता है। स्नान हो गया तो हाथ पैर धो करके छिटा दीजिए, वो भी पंच स्नान में आता है। तीसरा विष्णु कुंड है ऊपर, जल पीने से पेट के सारे रोग नष्ट होते हैं, कैंसर जैसे पेट के रोग नष्ट होते हैं, लोग भर भर के घर भी ले जाते हैं। चौथा सरस्वती कुंड है, उसमें पितरों के लिए तर्पण होते हैं, तर्पण वही लोग करते हैं जिसके माता पिता सास ससुर स्वर्गीय हो गए। पितृ तर्पण त्रियुगीनारायण में और पिंडदान बद्रीनारायण में, मोक्ष धाम में बद्रीनारायण, कहीं भी आप पिंडदान करेंगे लास्ट में बद्रीनारायण के ब्रह्मकुमारी में जब पिंडदान होंगे उसके बाद पिंडदान कहीं नहीं होते। उसके उपरांत धर्मशिला है, जहाँ पे राजा हिमांचल ने अपनी बेटी पार्वती का कन्यादान करके शंकर जी को दिया, तो वहाँ पे अपने घर में सुख शांति के लिए मनोकामना पूर्ण के लिए श्री शुक्र और पुरुषोत्तम से पूजन होता है। पूजन होने के उपरांत भगवान के दर्शन है, त्रियुगी नारायण लक्ष्मी सरस्वती क्षेत्रपाल कुबेर बद्रीनारायण रामचंद्र जी के दर्शन है। दूर से दर्शन होते, अंदर पूजा नहीं होती है। तीन युग की अखंड अग्नि है, इसका नाम धनंजय, जहाँ पे शंकर और माता पार्वती के सप्तपदी फेरे हुए थे, उसमें होम होता है, संध्या करता है, संध्या बोलेंगे तो लकड़ी चढ़ती है, जो भी आपकी इच्छा होगी कोई जबरदस्ती नहीं है। तो बोलो त्रियुगीनारायण भगवान की जय। यहाँ का मुख्य प्रसादी वो धूनी का भस्म है, वो हम आपको पैकेट बना के देंगे, ठीक है ना? ठीक ठीक, तो फिर एक बार बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। शंकर पार्वती जी का जोड़ा मुझे जय भगवान। ये देख लो यार, यहाँ पे जो है ना यहाँ पूजा वूजा होती है। पंडित जी को लेकर क्या होगे? पंडित जी इधर ही बैठना है। वो देख लो यार, उधर जो है ना शादी हो रही है त्रियुगी नारायण में। ये देख लो भाई, इसी जगह पे शिव और माँ पार्वती का शादी हुआ है। राजा हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान करके यही करवाया था, इसी जगह पर मानस गजाननम। हाथ जोड़िएगा भगवान का नाम, थोड़ा ध्यान करिएगा, गजाननम बहुत बड़ा जैसे अरे चरण कृतम हुआ काय जम कर्म जम हुआ श्रवण नैन जम हुआ मान संभो कर आदो भीट मजम हुआ सर्व में चक्ष। भाई ये देखो पूजा यार हम लोग की हो गई है, अब जो है ना सब उठा रहे हैं। ये देखो भाई, देख लो ये रहा भाई अंदर का हवन कुंड। ये देख लो भाई, ये देखो यहीं पे जो है ना गाइस, यहीं पे जो ना शंकर पार्वती जी के जो ना फेरे हुए थे। ये देख लो भाई, ये रहा हवन कुंड भाई। ये देख लो, ये रहा त्रियुगी नारायण मंदिर। और ये देखो अभी जो है ना हम लोग अपना नाम देख रहे हैं। हाँ पंडित जी, यूट्यूब चैनल है अपना, ये पंजाब है गाइस। ये देख लो भाई, अब जो है ना भाई यहाँ से निकलने की बारी आ गई है। एक बार जो है ना तुम लोग लुक चेकआउट कर लो भाई, कितना बढ़िया लगता है यार मंदिर। मतलब खुश हो गए भाई, मतलब ये देखो क्या सीन हो रखा है इधर का, देख रहे हो? और भाई तुम्हारा भाई जो है पहली बार यार त्रियुगी नारायण आया तो मंदिर भाई पूजा भी करी, काफ़ी अच्छा लगा। और भाई यहाँ पता है हमने अपना नाम वगैरह सब लिखवा दिया है, पहले बाबू जो है ना नहीं आए हुए थे, लेकिन अब की बार हमने सबका घर में सबके बड़े ताऊ जी लोग का सबका नाम लिखवाया है और अपना नाम लिखवाया है, दादी का नाम लिखवाया है, बाबू का नाम लिखवाया है। तो अब जो है ना भाई देखते हैं कब आना बनता है। फिलहाल अगली बार जब भी आएंगे तो पापा को साथ लेकर के आएंगे, और अभी जो है चलते हैं भाई नीचे की ओर। भाई ये देख लो यार, ये रहा भाई रात का सीन, ये देख लो यहाँ का जा रहे यार, अभी खाना ना खा ले फिर जाए। और देखो भाई यही वो होटल था जहाँ हम रुके हुए थे, ये रहा वो देखो। हाँ तो भाई ये देख लो यार आ चुके हैं। क्यों मम्मी खाना ना खाने आ गई? मम्मी थक गई मम्मी, हालत देखो मैं कितनी खराब हो रखी है। और भाई वो रखो वो रहा अपना होटल, और यहीं पर जो है ना भाई खाना खाएंगे भाई। जैसे अगर तुम लोग बाई चांस आते हो, सोचते हो कि भाई पैसे ही से कम है तुम लोग के पास, तो इधर जो है ना चार धाम यात्रा में भाई फ्री खाना खिलाया जा रहा है। तो तुम लोग ठीक ये पार्किंग के अंदर वो देखो वो रहा वहाँ से दीदी आगे से चाहिए है ना। और फिर जो है ना तुम लोग उधर से पार्किंग आएगी, वो जो देख रहे हो ना ये रोड जो देख रहे हो ये इधर से आओगे, और यहाँ पे जो है ना भाई आराम से खाना नहीं खा सकते। अभी जो है ना गाइस हम जा रहे हैं यार आगे की ओर,